उम्मीद है पीटीए अनूल लीग जीत जाएगी। तो आप जो है वोट भी नहीं कास्ट कर सकते, फिर क्या करेंगे सारा दिन? बस मैं फिर ऐसे ही टाइम पास करूंगा, देखूंगा, एंजॉय करूंगा। देखेंगे नहीं इंशाल्लाह। क्या बोला तूने? अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान ऑन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। तो इस वक्त मैं अपने गांव हलका नंबर 108 में मौजूद हूँ। तो यहाँ पर हजरत शाह जीमना के गद्दी नशीन पीर मखदूम फैसल साले हयात, हजरत सुल्तान बाव के गद्दी नशीन महबूब सुल्तान का यहाँ पर बहुत सख्त मुकाबला है मखदूम फैसल साले हयात का। तो आइए अपने गाँव के लोगों से पूछते हैं कि उनकी इस बारे क्या राय है। हमारे इलाके में दो गद्दी नशीन हजरत सुल्तान बाव के और पीर महबूब सुल्तान और हजरत शाह जीमना के गद्दी नशीन मखदूम फैसल साले हयात आमने सामने आ गए हैं। तो आपको कौन सा कैंडिडेट लगता है कि जो है वाज़ेह अक्सरियत से जीतेगा, जिसको ज्यादा वोट हमारे इलाके NA 108 से? भाईजान इधर तो जो है ना अपना मखदूम फैसल हयात जीतेंगे, क्योंकि मखदूम जिंदाबाद और नून लीग जिंदाबाद। ये आपका कौन सा दूसरा इलेक्शन है, तीसरा इलेक्शन है? मतलब है आपने जब से आईडी कार्ड आपका बना है, पहला इलेक्शन है? जी जी पहला है। दूसरा? पहला, पहली दफा। फर्स्ट एक्सपीरियंस है? पहली दफा वोट कास्ट कर रहे हैं, कैसा फील हो रहा है? मैं कह रहा हूँ बड़ा खुश हूँ मैं, नर्वस तो नहीं है? समझ गई भाई जान, मेरा तो पहला वोट है। और हाँ जी, पहले नहीं कास्ट? नहीं, फैसल साले याद बड़ी लीड से जीत रहे हैं हमारे हलके में। सैड क्यों है? परेशान क्यों है? परेशानी कोई नहीं है, बस मियां साहब के जीतने की बड़ी खुशी है। मियां साहब हल्ला गुल्ला है प्रोग्राम को, आज रात बड़ी रौनक लगानी है, मसलन मियां दे नारे बजने है, कैंपेन वगैरह कोई रैली वगैरह निकाल रहे हैं गाँव में, ट्रैक्टर रैली आज रात का हमने इनका किया है। आपके काम पे टांग रही है मुझे लगता है। ऐसी कोई बात नहीं है, शेर दाड़ेगा 8 फरवरी को। अच्छा, और अब आपसे एक बंदे और से सवाल पूछते हैं। हमारे गांव का जोशीला खूबसूरत नौजवान जिस पर बहुत लड़कियां फिदा है, पूछते अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आपका और मेरा जो है ड्रेस भी सेम कलर है, सेम भाई की मोहब्बत है यार। इसके बाद जो अच्छा, आप पूछते हैं हम आपसे बताते हैं। अच्छा, सवाल आपसे पूछते हैं, टाइम जाया नहीं करते। पीटीआई और नॉन लीग के दो कैंडिडेट जो हमारे हलके में खड़े हैं, आपको पता है ना कौन से हैं? महबूब सुल्तान और मखदूम फैसल साले यार। जी जी पता। तो कल जो है ना इलेक्शन है, तो सबसे पहले आप ये बताएं कि आप कौन सा कैंडिडेट को वाज़ह अक्सरियत से जीतता आपको दिखाई दे रहा है? पहली बात, मेरा वोट नहीं है। वोट है ही नहीं मेरा। वोट नहीं है? इतने बड़े हैं आप, अभी तक आईडी कार्ड नहीं बना? नहीं, मैं अभी 18 साल नहीं हूँ, मैं तो टूट गया। अच्छा, फिर आपका क्या सीन है, क्या मूड है कल? फिर तो आप जो है वोट भी नहीं कास्ट कर सकते, फिर क्या करेंगे सारा दिन? बस मैं फिर ऐसे ही टाइम पास करूंगा, देखूंगा, एंजॉय करूंगा। देखेंगे नहीं इंशाल्लाह, नहीं इंशाल्लाह। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता रहे हैं। इतना मैं शरीफ हूँ क्योंकि नमाज पढ़ता हूँ, बच्चियाँ के ना जो दिमाग से निकाल दिया मैंने। अच्छा, गुनाह देती है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या ठीक ठाक आप ना? अच्छा, कल इलेक्शन है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? गार्डन गार्डन हो रहा है, वोट कल इलेक्शन हो रहे हैं। उम्मीद है पीटीए अनूल लीग जीत जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा बंदा वाज़ह अक्सरियत से जीतता दिखाई दे रहा है कल हमारे हलके 108 में? मखदूम जीतेगा इंशाल्लाह, मखदूम साहब जीतेंगे इंशाल्लाह, और सपोर्ट भी कर रहे हैं हम मखदूम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक कर। अच्छा, कल इलेक्शन है, कौन सा बंदा जो है ना ज्यादा अक्सरियत से जीतता दिखाई दे रहा है आपको? हमारे अंदाजे में तो निवाज खान और साहबजादा महबूब सुल्तान हमें तो दिखाई देते हैं जीतते। ये बंदा आप देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इसका वोट होगा? नहीं जी, नहीं ना होगा, लेकिन इसका आईडी कार्ड बना हुआ है। नहीं, नहीं मानता। कौन सा जो है ना उम्मीदवार इसको दिखाई देता है कि ये जो है ना एक किस्म का जो हमारे गांव का पीर भी है, पीर है ना, तो
कौन सा उम्मीदवार इसको दिखाई देता है कि कौन जीतेगा कल हमारे हल्के से 108 से, पीटीआई या नॉन लीग? पीटीआई है। कसम से उसका वोट बना हुआ, आईडी कार्ड बना हुआ है और इसकी तकरीबन एज है 24-25 साल है। ये गड़बड़ है बाबा। नहीं 24-25 साल है नहीं है 21 साल। अच्छा, पहले कोई इलेक्शन वोट दिया है? नहीं है? नहीं नहीं कोई नहीं दिया। आप चाहे जिसके भी सपोर्टर है, हम ये पूछ रहे हैं कि आपको कौन सा बंदा नजर आता है भाई, हमारे हलके में कौन से वोट किस बंदे को ज्यादा पड़ेंगे, पीटीआई को या नॉन लीग को? ये नहीं मैं पूछ रहा आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, वोट किसको ज्यादा? इंशाल्लाह नॉन लीग कामयाब होगी। जीए शेर, जीए। इंशाल्लाह नॉन लीग, नॉन लीग। आपको कौन सा रहनुमा लगता है कि जो हमारे इलाके हल्का नंबर 108 में आपको जीतता दिखाई दे रहा है, पीटीआई या नॉन लीग? देखें, बात तो ये है कि जो दिल की आवाज है वही जो है ऑन द इंटरव्यू जो है वो देनी चाहिए। तो हमारी दिल की आवाज शेर है। क्यों हमारे इलाके में धड़ेबाजी चलती है, कोई उसमें जो है जमात का उसमें कोई सीन नहीं होता, तो उस धड़ेबाजी में कुदरती तौर पर जो हमारे कैंडिडेट हैं जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं वो नॉन लीग के हैं, तो उसी सिलसिले में हम नॉन लीग के साथ खड़े हैं और अपने कैंडिडेट के साथ खड़े हैं। और इंशाल्लाह कल जश्न का समा होगा और हम जीतेंगे ढोल ढमकों के साथ। और आज रात को यह रैली शैली कोई रैली वगैरह? रैली कोई नहीं, आज हमारी इंशाल्लाह गेट टुगेदर है, अपने सारे कजन्स होंगे उसमें, अपने जो वोटर सपोर्टर होंगे उनके साथ। कल का लाहेमल हमने बनाना है कि कल हमने पोलिंग डे पे कैसे जनाब सारी चीजें मैनेज करनी है और कैसे हमने अपने कैंडिडेट को वोट एंड सपोर्ट करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय का इजहार किया। अच्छा, हल्का नंबर 108 में मौजूद है कौन सा कैंडिडेट आपको जीता दिखाई दे रहा है, नॉन लीग या सॉरी पीटीआई, किसको ज्यादा जो है ना वोट यहाँ पर? देखिए देखिए ओन भाई, जैसा कि एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के बीच। तो मोहम्मद अली एक इंटरव्यू में वे क्या फैन है मेरे मगेरे भाई। जो हमारे इलाके में आपको पता है गांव लेवल पे धड़ाबाजी होती है, बरादरी डिवाइडेड होती है, तो बदकिस्मती से जो हमारा जो कैंडिडेट है मार असलम भरवाना साहब, वो नून लीग से बिलोंग करते हैं। तुम्हारा लच्छा बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाया। तो उम्मीद तो यही की जा रही है कि जैसे कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारी सिक्योरिटी ये हमारे साथ है, शेर के साथ है, तो उम्मीद है कि हम जीत जाएंगे और कल यहाँ जश्न का समा होगा। दोबारा आपको एक नए व्लॉग में हम नजर देंगे, नजर दिखाई देंगे। शुक्रिया। शुक्रिया।